अरे जान है कबूतर का बच्चा जान। 5-5 किलो फिर बांटने, 1 से 15 तक 5-5 किलो, फिर 15 से फिर 30 तक 5-5। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। अरे बाहर निकालो ना इसको यहाँ। ओ भाई ये बोल आटा खरीदने के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा भाई क्यों तुम्हारे पूर्ति नहीं हो रही क्या? मैंने गवर्नमेंट तुम्हारे को 20-40 किलो क्यों दे रही है? तो बोले यार हमें 20 किलो ही देता, अभी भी 20 की एंट्री करिए, 10 दिया जब मैं। इनका फिंगरप्रिंट लगता है, मेरी बात सुनिए। अभी ओटीपी भी आ रहा है, अभी ओटीपी आ रहा है, अभी ओटीपी आया, अभी ओटीपी आ रहा है, अभी फिंगरप्रिंट तो किसी का नहीं आ रहा है, अभी ओटीपी नंबर आ रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, इसमें ना जो ओटीपी आ रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिए ना। कितने किलो गेहूँ दिया आपको बताओ ना, दिखाओ मुझे में भी कितना आई है। 10 किलो। समस्या ये आ रही है कि राशन दुकानदार जो है 20 किलो गेहूँ हमारा 4 यूनिट का बनता है, तो उसकी जगह 10 किलो दे रहे हैं और एंट्री राशन कार्डों में 20 किलो की कर रहे हैं। ये पूरे मोहल्ले के अंदर जितने भी राशन कार्ड है इस दुकान के ऊपर सबके साथ यही हाल है। और उसके अलावा रामचंद्र बिजावत जो होलीदड़ में दुकान करता है राशन की, उसका भी यही रवैया है कि उसका मकान वहाँ बाजू में है और आधे टाइम दुकान खोलता है, आधे टाइम दुकान नहीं खोलता है। इस बाबत मैंने राशन एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है आशीष शर्मा, उसे भी शिकायत दर्ज करवाई है और रसद अधिकारी को भी शिकायत दर्ज करवाई है। अभी कौन सी गली है, कहाँ ये दुकान होती है? ये मोची मोहल्ला क्षेत्र है सर, वार्ड 52 के अंदर तकरीबन में। किसके नाम है राशन? ये हरीश लालवाणी के नाम है दुकान और राशन है शहजाद खान के नाम से। आपका नाम सर? मेरा नाम है रामदत्त शुक्ला।